नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मुंगेर में आपसी विवाद को लेकर हुए मारपीट मामले में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके विरोध में परिजनों ने भागलपुर मुंगेर खड़गपुर मुख्य मार्ग को बरियारपुर तीन वटिया चौक के पास जाम कर हंगामा किया। दरअसल घटना जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत की है, जहाँ तीन दिन पूर्व परिया में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों छबीला यादव और सुबोध यादव के बीच जमकर मारपीट हुई थी। जाम होने का रीज़न यही है कि लोगों में आक्रोश है। आक्रोश का वजह यही है कि हमारे पिता छबीला यादव जी को हमारे घर के पड़ोसी सुबोध यादव, उसका पिता का नाम सुरेश यादव, वो अपने भाई और भागना के साथ मिलकर बुरी तरीके से हमारे पिता और हमारे भाई और हमारी माता को पीटकर बुरी तरीके से जख्मी कर दिया, जिसे इलाजरत के दौरान हमारे पिता का मौत हो गया। और वजह से अब हम लोग के डिपार्टमेंट के सर हैं, उन्हीं के भानोई आज जो है छबीला यादव के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें उन्हें रंजन यादव और राकेश यादव मिलकर मारपीट किया था। इलाज के क्रम में जाम तो साढ़े तीन बजे से है। बेगूसराय में बेगूसराय रोसरा मुख्य पथ SH 55 पर नारायणपुर ढाला के पास सड़क दुर्घटना में बाइक सवार दो युवक की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है, वहीं गांव में मातमी सन्नाटा पसर चुका है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही खोदावंदपुर थाना के SI अयूब अली ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना हुआ था, वो बाइक वाला था, वो एक्सीडेंट कर गया बाइक से। कहाँ पर? नारायणपुर ढाला के पास, धर्मकाटा के पास। तो उसमें कौन कौन लोग जख्मी? एक रंजय पासवान था, हाँ, एक रामदास था, एक और लड़का था रघुनाथ पासवान। तो उसमें मौत किन की हुई? मौत तो एक रंजय पासवान का हुआ, एक इसका क्या करते हैं। खबर वैशाली के गौरव से है, जहां राजद नेता सैपुर्व MLC सुबोध राय के पिता हरिनाथ का हार्ट अटैक से निधन हो गया, जिससे परिवार के साथ साथ इलाके में शोक की लहर है। बताया गया कि राजद नेता के पिता कल अपने खेत में लगे फसल देखने के लिए गए थे, तभी अचानक खेत में गिर गए और बेहोश हो गए। आनंद फानन में परिजन पटना के निजी अस्पताल में उन्हें लेकर पहुंचे, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नालंदा में दीपनगर थाना क्षेत्र के महानंदपुर गांव में एक युवक की धारदार हथियार से वार और गला दबाकर बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक राजेश शर्मा का 18 वर्षीय बेटा सोनू कुमार है। मृतक के चाचा रंजीत कुमार ने बताया कि गांव के ही अर्जुन महतो उसे घर से बुलाकर ले गया था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही दीपनगर थाना पुलिस गांव पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और मामले की जाँच में जुटी है। रात में फोन करके बुलाया घर में पूरे तरह बेरहमी से चाकू घुप घुप के मारा और गले में रस्सी का फंदा लटका के भी मारा था। कै बजे बुला के ले गया था? लगभग 11 बजे सर। पहले से कोई दुश्मनी वगैरह था? कोई दुश्मनी वगैरह नहीं था सर। अररिया में खेत में खेल रहे बच्चों पर हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से एक बच्चे की करंट से मौत हो गई और तीन बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों का पलासी में इलाज चल रहा है। दरअसल अररिया के पलासी थाना क्षेत्र के ककुरवा गांव में खेत में खेल रहे बच्चों के ऊपर हाई टेंशन तार गिरने से चार बच्चे इसके चपेट में आ गए, जिसमें से एक बच्चे की मौत हो गई, वहीं तीन अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बच्चे खेत में खेल रहे थे, तभी बिजली का हाई टेंशन तार उनके ऊपर गिरा, जिसकी चपेट में आने से यह हादसा हुआ। ये बच्चा निशाल, मोहम्मद निशाल आलम नाम इसका। ये निशाल वहाँ पे तीन बच्चे के साथ, अन्य तीन बच्चा था जिसके साथ खेल रहा था, अचानक बिजली का ऊपर से 11,000 का तार जो था वो टूट के गिर गया। गिरने के बाद वो जो तार जो गिरा, जो वो चिलमिलाया तार जो बच्चे के लपेट में आ गया, तो कुछ बच्चा तो था तो छिटक गया, छोटा छोटा था, इसी के ऊपर गिरा कि बस सीना पर, और सीना पर जो तार गिरा हाथ से छोड़ा, हाथ पकड़ लिया कि बस चट से इसका दम ही निकल गया। फिर भी लोग पैर उर में तेल उल सलाते हुए हॉस्पिटल लाया। हॉस्पिटल में आने के बाद, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल में थोड़ा देर कर दिया डॉक्टर जब तक, तो फिर जाके उसको चेक करता, मृत घोषित कर दिया।
अररिया में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कर्मी अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर अररिया के कछौरी परिसर में एक दिवसीय धरना देते नजर आए। यह धरना कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले अध्यक्ष अर्चना कुमारी के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष ने कहा कि हम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों को समान काम, समान वेतन, भत्ता और अन्य सुविधा दिया जाए। सबसे पहले सरकार से ये मांग है कि हम लोग को जो संविदा पे रखा गया है इसको नियमित किया जाए, नौकरी को 60 साल किया जाए और जिस तरह सभी कर्मी को अवकाश दिया जाता है, जैसे आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, ये सब अवकाश की सुविधा दी जाए। मरणोपरांत जो है हमारे आश्रित जो है उसको इसका सुविधा दिया जाए। समस्तीपुर में अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला जिले के विथान थाना क्षेत्र से है, जहां बेखौफ अपराधियों ने देर रात घर में सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक किसान की पहचान विथान थाना क्षेत्र के जगमोहरा पंचायत के धरहरवा गांव के राम सिंहासन चौपाल के रूप में की गई है। वहीं हत्या की सूचना पर पहुंची विथान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। सर पहले जमाना मेरे पकड़ के ले गया था बदमाश लोग ने, पापा ने पुलिस से कलम पर कर चार थाना से मेरे को छुड़ाया। फिर मेरा पापा रात में सोया हुआ था, 11 बजे रात को गोली मार के चला गया था। गोली मार के हत्या है? हाँ, हत्या करके चला गया। कौन लोग थे पता है? हम देखे नहीं थे, लेकिन बोला के बोलेगा तो गौर भी नहीं, तुमको भी मार के भर्ती कर देंगे। समझे, हम इसी डर से पुलिस वाले को भी नहीं बताए, बोले हम देखे नहीं किए। कितने बजे घटना है? 11 बजे रात के। और फिलहाल इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।